this, it magnified further the magnified image thrown by the objective lens x10, x40 and x100. It means जो ये आपने ये दिखा है जो आईपीस है इसमें हमें क्या यूज करना होता है, लेंस जो हमें जरूरत पड़ेगी देखने के लिए x10 की और x40 और x100 की. हमें कोई भी चीज देखनी हो सबसे पहले आईपीस से देखनी होगी. नेक्स्ट थिंग आर्म. व्हाट इज आर्म? आर्म द पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप दैट कनेक्ट द ट्यूब टू द बेस. व्हाट कैरिंग अ माइक्रोस्कोप कैप द आर्म विद वन हैंड एंड प्लेस योर अदर हैंड अंडर द बेस और टाइप ऑफ स्टैंड दैट होल्ड अ माइक्रोस्कोप बॉडी. अभी क्या काम करता है आर्म? ये क्या करता है, जो ये पूरी बॉडी है इसे होल्ड करता है. ठीक है, इसे होल्ड करता है ताकि ये जितना भी इंस्ट्रूमेंट लगा है इस पर इतना प्रेशर ना पड़े. नेक्स्ट थिंग इज रैक. रैक क्या काम करता है, अब ये देखिए. व्हाट इज रैक? द माइक्रोस्कोप रैक स्कोप वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव फ्रॉम हीटिंग दिस डेज. It is often easy when looking through the microscope and focusing to be aware of how lose the microscope objective. It is this this. अब ये क्या है, जो ये रैक स्टॉप है ये क्या काम करता है, ये पूरे बॉडी को हेल्प करता है ताकि इस पर कोई प्रेशर ना पड़े और इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं. ये जो आप देख रहे हैं इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं रैक स्टॉप को. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज स्टेज क्लिप. व्हाट इज स्टेज क्लिप? स्टेज क्लिप ऑन दिस डे यूज टू होल्ड दिस स्लाइड इन प्लेस. स्टेज क्लिप ऑन अ लो पावर माइक्रोस्कोप देयर इज अ फॉरेस्टेड सर्कुलर ग्लास प्लेट दैट फिट इन ओवर द लोअर मिरर. अब जो ये स्टेज क्लिप देख रहे हैं आप, इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें स्लाइड रखनी होगी. स्लाइड में हमें कुछ भी चेक करना, सबसे पहले हमें स्लाइड ही लगानी है. स्लाइड लगाने के बाद जो आप ये क्लिप देख रहे हैं इसे हमें एडजस्ट करना है ताकि कोई भी चीज हमें देखनी है तो वो से अच्छे से सेटिंग हो जाए. और ये स्टेज क्लिप इसी है क्योंकि इसमें हमें एक स्लाइड रखनी है और स्लाइड को हमें रखने के बाद इन दो क्लिपों को एडजस्ट करना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से स्लाइड सेट हो जाए. नेक्स्ट हमारा है क्रॉस फोकस. व्हाट इज क्रॉस फोकस? इट इज यूज्ड टू रेज एंड लोअर द ऑब्जेक्टिव लेंस. इसमें हम क्या करते हैं क्रॉस फोकस में, हम क्या करते हैं इसमें, हम करते हैं कि लोअर द ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं इसमें रेज पड़ती है और इसमें क्रॉस फोकस एडजस्टमेंट कर सकते हैं. जब हमें स्लाइड जब हम यहाँ स्लाइड रखेंगे, स्लाइड रखने के बाद जो रेज पड़ेगी वो हमें क्लियर नजर करने के लिए हमें इस क्रॉस फोकस को अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट करनी है ताकि जो स्लाइड पर रखी कोई भी चीज हमें आईपीस से क्लियरली नजर आ जाए. इसके बाद आता है हमारा फाइन फोकस. व्हाट इज फाइन फोकस? इट इज यूज फॉर द डेलिकेट फोकसिंग. इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ स्लाइड रखते हैं, ये स्लाइड क्या होता है कि अप डाउन हो जाती है. जब भी हम यहाँ स्लाइड रखेंगे ये जो ऊपर हमारे ये मिरर जो लेंस लगे हुए हैं तो हम इसके लिए जब स्लाइड रखेंगे तो हम इस फाइन फोकस से हम इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि जब हम इसमें कोई भी चीज रखें तो हमें क्लियरली नजर आ जाए. नेक्स्ट हमारा आता है रिवॉल्विंग नोज पीस. व्हाट इज रिवॉल्विंग नोज पीस? इट कंटेन द फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर दैट इज x10, x40, x100. अब आप ये देखिए ये जो लगे हुए जो ये लेंस लगे हुए हैं, जो ये लेंस है ये इसमें x10, x40, x100 का यूज किया जाता है. x10 में हमें क्या होता है कि जो बड़े से बड़ी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस होते हैं हमें वो नजर आते हैं और एक्सपोर्टिंग हमें क्या जो बड़ी चीज है वो हमें इसमें क्लियर से क्लियर नजर आती है. 100 में बिल्कुल ही क्लियर नजर हो जाती है कि हम जो वायरस बैक्टीरिया देखना चाहते हैं जो हमें बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट करवाते हैं उसमें बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आते, तो वो क्या करते हैं कि इसमें लैब वाले क्या करते हैं कि इसमें X100 या X40 का जो लेंस है वो उसे यूज करते हैं तो उसमें हमारे क्लियर रिजल्ट आता है इससे. नेक्स्ट है स्टेज. व्हाट इज स्टेज? स्टेज क्या होता है? इट इज अ प्लेटफॉर्म टू स्पॉट स्पाइसमैन अंडर ऑब्जर्वेशन. तो ये स्टेज है स्पाइसमैन जो ऊपर जो हम रखेंगे, इसमें जो स्पाइसमैन रखेंगे इसके ऊपर हम जो स्लाइड रखेंगे उसे ये क्या करते हैं उसे ये उस प्लेट को स्पॉट करता है. ये स्टेज के ऊपर हम रखेंगे स्लाइड रखेंगे, स्लाइड रखने के बाद ये जो स्टेज है ये उसे स्पॉट करता है ताकि जो चीज देखने हमें क्लियरली नजर आ जाए. इसमें कंडेंसर, ये जो आप देख रहे हैं कंडेंसर क्या होता है इसके बारे में करते हैं. कंडेंसर, व्हाट इज कंडेंसर? इट इज यूज्ड टू कंसंट्रेट द लाइट. इससे क्या होता है कि हमें बिल्कुल
क्लियर नजर आएगा। कंडेंसर से क्या है कि क्लियर नजर आता है कोई भी चीज हमें देखनी है। और इसके बाद आता है मिरर, इसे हम बोलते हैं मिरर। व्हाट इज मिरर? मिरर मिरर इसको बोलते हैं, इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑन द स्पाइस, इट हैज टू सरफेस, द कॉनकेव सरफेस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल लाइट। इसमें क्या होता है कि इसमें एक आर्टिफिशियल लाइट लगी होती है, जो कि हम जब जो सनलाइट होती है इस पे डायरेक्ट पड़ती है, इस पे पड़ने के बाद ये जो कंडेंसर पे, कंडेंसर से कैसे हम स्लाइड रखेंगे यहाँ पे, उस पर लाइट पड़ेगी, उसके लाइट पड़ने से क्या होगा, जो आईपीस है हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। आगे पास बोलते हैं जो ये कंडेंसर यहाँ पे जो हम सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ने के बाद यहाँ पे कंडेंसर पर लाइट पड़ेगी और जो हम यहाँ स्लाइड रखेंगे वो बिल्कुल क्लियर नजर हो जाएगी इसमें, कि जो हमें देखना वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, क्योंकि हमें इसे देखने के लिए सनलाइट या फिर पूरी अच्छे वाली लाइट होनी चाहिए, जैसे में हम जो स्लाइड पर हम जो भी रखे हैं तो हमें क्लियर नजर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि लैब में जो भी लैब जो चेक करते हैं माइक्रोस्कोप से, ऊपर एक लाइट लगी होती है जिससे वो स्लाइड रखते हैं तो उनको क्लियर नजर हो जाता है। इसके बाद आता है बेस। बेस क्या होता है? What is base? Base का it is have two upper part. It also support the optical part with perfect alignment. It provide balance and stability to the instrument microscope. अब ये क्या होता है? ये जो आप base देख रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं stand बोलते हैं। अब ये एक horseshoe shape की बनी होती है और ये solid iron की बनी होती है। ये पूरे ऊपर के जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है इनको ये पूरे तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी होता है, क्योंकि इन्हें बहुत ही ध्यान से रखना होता है और अच्छे तरीके से ये इसका यूज करना होता है। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।